हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमारे पास कोई एक एपी है जिसकी जो थर्ड टर्म है वो हमें 16 गिवन है। हमें कह रहे हैं जो उसकी सेवंथ टर्म है वो उसकी फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है। तो इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम एपी फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। हमें थर्ड टर्म गिवन है, मींस कि हमें A3 गिवन है विच इज 16, और आगे हमें एक स्टेटमेंट गिवन है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें कह रहे हैं कि जो सेवंथ टर्म है मीन्स की A7 जो है वो कितनी है, वो फिफ्थ टर्म से, फिफ्थ टर्म क्या होगी A5, इससे एक्सीड है मींस कि ज्यादा है, प्लस करेंगे। कितने प्लस करेंगे, 12 ऐड करेंगे। हमें कहा था कि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से ज्यादा है 12 से, तो हमने सेवंथ टर्म लिख ली, वो इक्वल टू किसकी होगी, फिफ्थ टर्म में 12 ऐड करके हमारे पास आ जाएगी सेवंथ टर्म। बस अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां से जब इस पे फॉर्मूला लगेगा तो हमारे पास आ जाएगा A+7-1(D) = यहां से आ जाएगा A+5-1(D+12), ये हो गया A+7-1 - 6(D), ये हो गया A+5-1 - 4(D+12). अब क्या करना है, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा A+6(D), ये A यहाँ प्लस का, इधर आके माइनस का, ये यहाँ प्लस का तो इधर आके माइनस का, इसको यहीं पे रहने देते हैं 12। ये प्लस का A, ये माइनस का A, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2D = 12। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, D की वैल्यू होगी 12 / 2 मीन्स की 6। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। तो यहां से हमारे पास D आ गया। अब हम A3 को यूज करके A निकाल लेंगे। तो हमारे पास A3 जो है वो कितना गिवन था, 16। इस पे फॉर्मूला लगाएंगे A+3-1(D) = 16। A+3 - 1 - तो 2 बचेगा। D की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 6। तो D की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं = 16। ये हो जाएगा हमारे पास A+6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा = 16। तो ये हो गया A = 16 - 12 मीन्स की 4। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। बस अब AP बना लेते हैं। AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म क्या होगी 4+6 मीन्स की 10। इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें 6 ऐड करेंगे, 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। उसके बाद 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। ऐसी 100 ये चलती रहेगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4, 10, 16 and 22। AP बना ली। AP क्या होती है, उसमें फर्स्ट टर्म में D को ऐड करते चले जाना। यहाँ पे 4 में D को ऐड किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब 10 में D को ऐड किया 16 आ गया, 16 में D को ऐड किया तो हमारे पास 22 आ गया। तो ये 100 चलता रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।